व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 99 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। के स्टार्टिंग में हम लोग सैंड पायरेट को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग ईडो नाम के एक टाउन के सामने आके रुक जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। सामने जो टाउन है वो नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल विलेजर के लिए, लेकिन हम लोग पायरेट है, हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो लोग सारे के सारे जो सैंड पायरेट है उन लोगों को बाय कह के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वहाँ पर जो रोजा होती है वो अभी भी गुस्से में होती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लूफी और उन लोगों का टीम बहुत दूर जाने के बाद भी उन लोगों को बाय बाय कह रहा है। तो उसके बाद हम लोग वीवी को देखते हैं। वीवी का मूड थोड़ा सा खराब है क्योंकि वीवी के ऊपर जो रोजा है वो विश्वास नहीं करती, वो बिलीव खो चुकी है और वो सोचती है कि ऐसे बहुत सारे सिटीजन है जो कि किंग और उसके लोगों के ऊपर बिलीव करना छोड़ दिया है। और उसके बाद जो वीवी है वो फिर से उन सैंड पायरेट की शिप की तरफ देखती है। वो देखती है कि जो रोजा है वो भी उन लोगों को बाय बाय कर रही है, मतलब जो रोजा है वो पूरी तरीके से विश्वास नहीं खोई है। और ये देखने के बाद वीवी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो भी बाय बाय कहती है और ये सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग ईडो विलेज के एक बंदे को देखते हैं। वो टेलीस्कोप से देखता है कि जो डेजर्ट पायरेट है उन लोगों का फ्लैग, और ये देखने के बाद कहता है कि डेजर्ट पायरेट यहाँ पर आ रहे हैं। और ये कहने के बाद वो दौड़ते हुए उसके बड़े भाई के पास जा रहा है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग उस बंदे के बड़े भाई को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो सारे के सारे रेबल आर्मी है, लेकिन वो एक्चुअली फेक रेबल आर्मी है, असली का रेबल आर्मी नहीं है। लेकिन वो लोग इस टाउन पे रुके हुए हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोग रेबल आर्मी है, हम लोग किंग के खिलाफ फाइट करेंगे। ये कह के जो गाँव वाले है उन लोगों का खाना पानी हड़प रहा है और जो गाँव वाले है, जो टाउन का मेयर है, सब लोग उसके ऊपर विश्वास भी करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मेयर है वो वहाँ से चला जाता है, वो फेक रेबल आर्मी का लीडर वहाँ पर खाना ठूस रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसका एक सबॉर्डिनेट दौड़ते हुए आता है, कहता है कि सैंड पायरेट्स जो है वो लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे। तो एक और बंदा कहता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उन लोगों के खिलाफ फाइट नहीं कर पाएंगे, हम लोग कभी भी जीत नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग भाग भी नहीं पाएंगे। तो उसके बाद हम लोग इस फेक रिबेल आर्मी के लीडर को देखते हैं, वो कहता है कि हम लोग यहाँ से भागेंगे। तो सब लोग कहते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से भाग गए तो इन गाँव वालों का क्या होगा। तो जो उन लोगों का लीडर है वो कहता है कि जिंदा रहना सबसे ज़्यादा मैटर करता है, अगर ये गांव पूरी तरीके से खत्म भी हो गया तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे और बहुत सारे गांव है और हम लोग वहां पर जाके भी बोलेंगे कि हम लोग रेबल आर्मी है और उन लोगों का खाना पानी हड़पेंगे। और उसके बाद जो घर के बाहर निकलता है वो देखता है कि सामने एक अद्भुत क्रिएचर है, एक बहुत ही अजीब क्रिएचर है, और वो जो क्रिएचर है वो एस का है। हम लोग देखते हैं कि जो एस है वो उन लोगों के सामने से घर के अंदर चला जाता है, वो लोगों को दिखता भी नहीं और वो उन लोगों का खाना खाने लग जाता है। तो सब लोग कहते हैं कि तू कौन है। जो एस है वो कहता है कि तुम लोग तो बहुत बड़े डरपोक हो, तुम लोग तो असली के रिबेल आर्मी भी नहीं हो। तो वहां पर जितने सारे फेक रिबेल आर्मी के चमचे थे वो लोग कहते हैं कि तुम तो एक खाना चोर हो। और उसके बाद ये सब लोगों को पेलता है, उन लोगों के लीडर को छोड़ देता है और बाकी के सारे लोगों को पेल देता है। और ये देखने के बाद जो फेक रिबेल आर्मी का लीडर है उसकी फट जाता है और वो एस का सेवा करने लग जाता है। जो एस है वो कहता है कि यहाँ पर का खाना बहुत ज्यादा मस्त है। तो जो फेक रिबेल आर्मी का लीडर है वो लाके उसको खाना देता है और वो देखता है कि एस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये समझने के बाद वो कहता है कि आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, आप ऑर्डिनरी इंसान तो नहीं हो। और उसके बाद वो एस से एक फेवर मांगता है और कहता है कि प्लीज़ हम लोग का हेल्प करो, हम लोग फेक रिबेल आर्मी है लेकिन यहाँ पर असली के सैंड पायरेट्स आ रहे हैं, हम लोगों को मदद करो उन लोगों को हराने में। तो जो एस है वो कहता है कि ठीक है मैं हराने के लिए मदद करूँगा लेकिन एक कंडीशन है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एस बहुत सारा खाना और पानी लेके उस शहर के बाहर आ रहा है और बाहर आने के बाद देखता है कि वहाँ पर कोई सैंड पायरेट नहीं है, वहाँ पर लूफी का जो ग्रुप है वो आ रहा है। और जो लूफी है वो दौड़ती है एस के पास जाता है और उस अजीब क्रिएचर को देखने के बाद कहता है कि ये क्या चीज़ है। और उसके बाद जो एस है वो कहता है कि अरे ये कुछ भी नहीं है लेकिन तुम लोग सैंड पायरेट हो। तो जो लूफी है वो कहता है कि नहीं हम लोग सैंड पायरेट नहीं है लेकिन हम लोग सैंड पायरेट के साथ आ रहे थे, हम लोगों ने गुड बाय बोल
दिया उन लोगों को। तो उसके बाद जो ऐसे वो कहता है कि वो सब कुछ छोड़ो, मेरे पास गुड न्यूज है, मैंने बहुत सारा खाना और पानी ले आया है। और ये खाना और पानी देखने के बाद जो सांजी है वो कहता है कि अरे बहुत बहुत शुक्रिया, इन खाना और पानी से हम लोगों का बहुत दिनों तक चल जाएगा। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि मेरे को बहुत ज्यादा प्यास लगा था। जो चौपर है वो कहता है कि मेरे को भी बहुत ज्यादा प्यास लगा है, तो एस जाके उसको पानी पिलाता है। और उसके बाद जो उषा है वो कहता है कि एस बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही औसम है। और जो नामी है वो कहती है कि हाँ एस बहुत ही ज्यादा औसम है, और एस बिल्कुल भी उसके भाई की तरह नहीं है जो कि कम्प्लीटली एक इडियट है। और उसके बाद जो वीवी है वो कहती है कि एस तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, तो जो एस है वो कहता है कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं थे। और उसके बाद जो वीवी है वो कहती है कि इसका मतलब क्या तुमने गाँव से खाना चुरा के ले आया है, तो जो एस है वो कहता है कि नहीं रिबेल आर्मी ने हमको दिया है। तो वो लोग कहते हैं कि रिबेल आर्मी, और उसके बाद जो एस है वो कहता है कि नहीं असली के रिबेल आर्मी नहीं है, वो लोग नकली के रिबेल आर्मी है, वो लोग फेक है, और वो लोग बैठ के वहाँ पर उन गाँव वालों का खाना पानी सब कुछ लूट रहा है। और ये सुनने के बाद जो सांजी है वो कहता है कि बीबी क्या हम लोग जाके उन लोगों को सबक सिखाए। तो उसके बाद जो बीबी है वो डीपली सोचती है, और सोचने के बाद उसको रोजा की बात याद आती है। और उसके बाद वो कहती है कि मुझे ये कहने में दुख हो रहा है लेकिन हमारा जो किंग है वो हर एक गांव पे, हर एक टाउन पे, हर एक आदमी पे नजर नहीं रख सकता, और अभी बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहा है किंगडम में। इस टाइम पे अगर विलेजर का हेल्प करता है तो कोई बात नहीं, मैं इसको सपोर्ट करूंगी। और उसके बाद वो कहती है कि लेकिन मैं टेस्ट करना चाहती हूँ वो जो फेक रिबेल आर्मी के लोग है वो लोग असली में अपने गाँव को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या फिर नहीं। और उसके बाद वो सब लोगों को रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग एक नाटक करो, प्लीज मेरा हेल्प करो। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद हम सारे के सारे फेक रिबेल आर्मी को देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये जो बंदा था वो एक घंटे पहले चला गया, ये कहते हुए कि हमारे ऊपर छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन वो अभी भी वापस नहीं आया। हम लोगों को यहाँ पर छुपना नहीं चाहिए, अगर वो सैन पायरेट को पता चल गया कि हम लोगों ने उसे भेजा है वो लोग आके हम लोगों को मार डालेंगे। तो उसके बाद जो फेक रिबेल आर्मी है वो सारे के सारे लोग छुप छुप के अपने घर से बाहर निकलते हैं। जब घर के बाहर आता है वहाँ पर देखता है कि सारे के सारे टाउन के लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो टाउन का मेयर है वो भी यहाँ पर आया है। और वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने सुना है कि जो सी पायरेट है वो लोग हमारे टाउन के ऊपर हमला कर रहे हैं, और उन लोगों को भगाने के लिए तुम लोग जा रहे हो, हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है। तो वो लोग कहते हैं कि सी पायरेट नहीं, वो लोग सैंड पायरेट है। लेकिन वहाँ पर जो मेयर है वो कहता है कि नहीं सैंड पायरेट नहीं, वो लोग सी पायरेट है। और जो सी पायरेट होता है वो लोग सैंड पायरेट से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, वो लोग एक भी सेकेंड टाइम नहीं लगाते अपने ओपोनेंट को काटने के लिए। और उनमें से एक बंदा है जो कि उन लोगों का लीडर है जिसका नाम है स्ट्रॉ हैट लूफी, और उसके सर में 30 मिलियन बाउंटी भी है। और ये सुनने के बाद जो फेक रिबेल आर्मी है उन लोगों का फट जाता है। हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर आते हैं, आने के बाद उन लोगों को चेयर करने की कोशिश करते हैं, और वो लोग कहते हैं कि बिग ब्रो तुम सच में उन लोगों को भगा पाओगे। उन लोगों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग कहते हैं कि मैं भी तुम लोगों की तरह स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, जब मैं बड़ा होऊंगा मैं बिग ब्रदर तुम्हारी तरह स्ट्रांग बनूंगा। तो उसके बाद हम लोग फेक रिबेल आर्मी के लीडर को देखते हैं, वो कहता है कि चलो यहाँ से। तो हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे पीछे उसके जो सबऑर्डिनेट है वो लोग भी जा रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि क्या तुम सच में उन लोगों से फाइट करने वाले हो? एक बंदा कहता है कि नहीं हमारा लीडर फाइट नहीं करेगा। तो जो उन लोगों का लीडर है वो कहता है कि तू पागल है क्या, हम लोग फाइट नहीं करेंगे, हम लोग जब टाउन के बाहर जाएंगे जिस तरफ वो सी पायरेट होंगे हम लोग उस दिशा के उल्टी दिशा में भागेंगे, अपनी जी जान लगा के भागेंगे, वरना हम लोग भाई परी मर जाएंगे। तो उसके बाद जब वो लोग ये बात करते हुए जा रहे हैं हम लोग देखते हैं कि एस छुप छुप के उन लोगों का बात सुनता है, और वो कहता है कि तो ये बात है। और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो फेक रिबेल आर्मी है वो लोग गांव से बहुत दूर आ जाते हैं, सिटी का जो मेन गेट है वहाँ पर चले आते हैं, लेकिन उसके पीछे पीछे जो गांव वाले हैं वो लोग भी उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। तो जो रिबेल आर्मी है वो कहता है कि ये जो गांव वाले है कितना ज़्यादा हरामी है, हम लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो वो हम लोग देखते हैं कि वो सारे के सारे फेक रिबेल आर्मी टाउन के गेट के सामने आके खड़ा होता है, और वो कहता है कि अभी हम लोग इस गेट के बाहर जब जाएंगे हम लोगों को देखना पड़ेगा जो पायरेट है वो लोग किस तरफ है, हम लोग उसकी उल्टी दिशा में भागेंगे, ठीक है, हम लोगों को एक ही चांस मिलेगा। और 1 2 3 कह के वो लोग गेट खोल देते हैं और दौड़ते हुए बाहर आते हैं। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने लूफी खड़ा हुआ है, और लूफी को देखने के बाद उन लोगों का फट जाता है। जो लूफी है वो बहुत ही ज्यादा ईविल लग रहा था यहाँ पर। उसके बाद वो लोग राइट की तरफ देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सांजी और उसब खड़ा हुआ है। जब वो लोग लेफ्ट की तरफ देखते हैं हम लोग देखते हैं कि चौपर और जोरो खड़ा हुआ है। तब लोगों ने मिलके उन लोगों को घेर लिया है। जो लूफी अब वो कहता है कि तुम लोग रिबेल आर्मी के लोग हो, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग रिबेल आर्मी के लोग नहीं है। हम लोग देखते हैं कि तभी उसके पीछे से जो गाँव वाले हैं वो लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि उन लोगों को फोड़ दो रिबेल आर्मी, उन लोगों को जाने मत दो। तो जो लूफी अब वो कहता है कि तो तुम लोग सच में रिबेल आर्मी के लोग हो? तो जो रिबेल आर्मी का लीडर है जो फेक रिबेल
रॉयल आर्मी का लीडर है, वो कहता है कि अरे गांव वाले अपना मुंह बंद रखो। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुआ कि तुम लोगों ने मुझे झूठ बोला। तो उसके बाद हम लोग नामी और वीवी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग थोड़ी दूर पीछे छुपा हुआ है। जो नामी है वो कहती है कि लगता है ये लोग सर के सर स्पाइनलेस है, वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इससे अच्छा कि हम लोग गाँव वालों को सब कुछ सच सच बता दे। तो जो वीवी है वो कहती है कि नहीं, मैं उन लोगों को थोड़ी देर और देखना चाहती हूँ। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। लूफी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और कहता है कि तुम लोगों ने मुझे झूठ कहा। और हम लोग देखते हैं कि जो फेक रिबल आर्मी है वो सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग एस को देखते हैं, वो ऑडियंस में छुपा हुआ है और वो छुप छुप के उन लोगों को कहता है कि ओए तुम लोग फाइट नहीं कर सकते। तो जो रिबेल आर्मी का लीडर है वो कहता है कि हम लोग तो फेक रिबेल आर्मी है, हम लोग फाइट नहीं कर पाएंगे। तो जो एस है वो कहता है कि ये तुम लोगों का फाइट है, तो तुम लोग इस फाइट को निपटाओगे, तुम लोग मर दो और उस बात को साबित करो। और उसके बाद हम लोग उस फेक रिबेल आर्मी के लीडर को देखते हैं। उसके जो लैकीज है वो लोग कहते हैं कि बिग ब्रो अब हम लोग क्या करेंगे। तो जो फेक रिबेल आर्मी का लीडर है वो कहता है कि अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग झूठ बोल के यहाँ से भागेंगे। तो वो लूफी को देखता है और कहता है कि तुम लोग सोच रहे होगे कि हम जो यहाँ पर है वही बस रिबेल आर्मी है, हम लोगों के गांव में 100 मिलियन रिबेल आर्मी के सोल्जर है, मतलब 10 करोड़ रिबेल आर्मी उस गांव में है। तो ये सुनने के बाद जो लूफी है वो कहता है कि 10 करोड़ है, मतलब लूफी विश्वास कर लेता है। तो जो उसा और सांजी है वो लोग कहते हैं कि अरे तू उन लोगों के बात पे विश्वास कर रहा है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। और उसके बाद जो उसा है वो कहता है कि उन लोगों का झूठ बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, ऐसा झूठ कभी सच नहीं हो सकता। तो जो सांजी है वो कहता है कि तू बात मत कर, तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। और उसके बाद हम लोग चॉपर को देखते हैं। जो चॉपर है वो कहता है कि ओह तो इसका मतलब लोग झूठ बोल रहे थे। जो जोरो है वो भी चिल्ला के कहता है कि अरे तू भी विश्वास मत कर। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं। जो लूफी है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुआ, तूने दो दो बार झूठ बोला मेरे को, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तो जो फेक रिबेल आर्मी का लीडर है उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो उन लोगों के सामने आता है और चिल्ला के कहता है गम गम पिस्तौल, और उससे दे मारता है उन लोगों के लीडर को और उसे बहुत दूर जाके गिराता है, वो नॉकआउट हो जाता है। और ये देखने के बाद भापा जितने सारे लोग हैं, जितने सारे विलेजर है, सब लोग कहते हैं कि अरे उन पायरेट के पास डेविल फ्रूट का पावर है, ये जो रेबल आर्मी है वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो कहती है कि अरे उन लोगों को मारना नहीं था, तुम लोगों को बस एक्टिंग करना था। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है उसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगता है, वो पूरी तरीके से इविल बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और वो धीरे धीरे चलते हुए उन लोगों के सामने आ रहा है और कहता है कि अभी तुम लोगों का बारी है। हम लोग देखते हैं कि जो फेक रिबेल आर्मी का लीडर है उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसके नाक से उसके मुंह से खून निकल रहा है और कहता है कि मैं एक ही बारी में नॉकआउट हो गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग दौड़ते हुए वहां पर आते हैं और वो लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि बिग ब्रदर तुम हार नहीं मान सकते, तुम हार नहीं मान सकते उन पायरेट के सामने। हम लोग देखते हैं कि जो फेक रिबेल आर्मी का लीडर है वो सोचता है कि जब मैं छोटा था वैसे ही मैं एलिवेस्टर के जो वॉरियर है उन लोगों की तरफ देखता था, ये मेरा सपना था। नहीं, वो अभी भी मेरा सपना है कि मैं एलिवेस्टर का एक बहुत ही बड़ा पावरफुल वॉरियर बनूं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर हार मान लेता हूँ तो सिर्फ मेरा सपना खत्म नहीं होता, यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि मेरे को देख रहे हैं उन लोगों का भी सपना खत्म हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है अपने हाथों को ऐसे घुमा घुमा के और कहता है कि तुम लोगों को मैं फोड़ दूंगा, और वो अपने हाथ को सामने की तरफ बढ़ाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि फेक रिबेल आर्मी का जो लीडर होता है वो उसे पकड़ लेता है, लूफी के हाथ को पकड़ लेता है, और वो बंदा कहता है कि हम लोग फेक है, हम लोग असली के रिबेल आर्मी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं वो लोग हम लोगों को सच मानते हैं, और अगर मैं यहाँ पर उन लोगों को कहता हूँ कि हम लोग फेक है तो उन लोगों का ड्रीम खत्म हो जाता है, मेरा ड्रीम कभी भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इन बच्चों का ड्रीम छीनने का कोई भी हक नहीं है मुझे। वो कहता है कि मैं फाइट करूंगा तब तक जब तक मैं मर ना जाऊं, मुझे पता है कि मैं तुम लोगों को नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन दुम दबा के भाग के मैं अपनी जान को तो बचा लूंगा लेकिन उन बच्चों के नजरों में मैं गिर जाऊंगा, ऐसे भागने से अच्छा कि मैं अपनी जान दे दूं और एज ए हीरो उन लोगों के सामने मर जाओ, तो कि जब वो बच्चे बड़े हो वो लोग मेरे मौत का बदला ले सके। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो पूरी ताकत लगाता है और ताकत लगा के लूफी को एक पंच करता है। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो उसके पंच को अवॉइड नहीं करता, उसके पंच को अपने बॉडी पे लेता है और वो गिर जाता है। और ये देखने के बाद जो सांजी और उषा पे वो लोग लूफी का मदद करने के लिए जा ही रहे होते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसके सामने एक और चमचा आ जाता है उन फेक रिबेल आर्मियों का, और वो कहता है कि मैं भी फाइट करूंगा बिग ब्रो, मैं भी उन लोगों के साथ फाइट करके यहाँ पर मर के अमर हो जाऊंगा।
जाऊंगा, मैं भी उन बच्चों का हीरो बन जाऊंगा। और हम लोग देखते हैं कि वो सांजी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो सांजी है वो आसानी से डॉच कर जाता है। और उसके बाद वो बंदा कहता है कि जब हम लोग छोटे थे तुम्हारा दिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए हम लोग वॉरियर नहीं बन पाए, लेकिन तुम हमेशा वीक को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मैं भी तुम जैसा बनना चाहता था और तुम्हारा ड्रीम ही मेरा ड्रीम है। और हम लोग देखते हैं कि वो सांजी के साथ फाइट तो कर रहा है लेकिन वो डर के मारे रो रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सुनने के बाद उसके जो बाकी के सबऑर्डिनेट है उन लोगों में भी जोश आ जाता है और वो लोग भी जोरो के खिलाफ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि क्या चल रहा है, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, सब लोग ऐसे कैसे चेंज हो सकते हैं, ये फेक रेबल आर्मी असली रेबल आर्मी की तरह बिहेव कर रहा है। और उसके बाद हम लोग नामी को देखते हैं, जो नामी है वो कहती है कि लगता है उन लोगों का हार्ट चेंज हो गया है और वो लोग अपने विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो जो वीवी है वो कहती है कि हाँ मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया, उन लोगों को सिग्नल दो कि हम लोगों को वापस जाना है। हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो सिग्नल देती है, जो उसे पे वो कहता है कि चलो हम लोगों को रिट्रीट करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि सांजी जोरो सब लोग भाग रहे हैं और लूफी को लेके भाग रहे हैं। और उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि अरे ये जो रेबल आर्मी है बोलो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। जो उसे पे वो कहता है कि मैंने कभी भी इतना पावरफुल रेबल आर्मी नहीं देखा। जो जोरो है वो कहता है कि इस तरह का नाटक करने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, बहुत ज़्यादा एम्बरेस्ड होता है। तो ये सब कुछ कहने के बाद जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जो फेक रिबल आर्मी का लीडर है वो सोचता है कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे हम लोगों से ज़्यादा, लेकिन वो लोग भाग क्यों गए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो विलेजर है, जो गांव वाले हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन लोगों के लिए चीयर करते हैं। तो जो फेक रिबल आर्मी का लीडर है वो कहता है कि मैं इस गाँव को प्रोटेक्ट करूँगा, मैं इस विलेज को प्रोटेक्ट करूँगा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मेरे शरीर में जान है, जब तक शरीर में ताकत है, तब तक मैं अपनी जान लगा के इस गाँव को प्रोटेक्ट करूँगा। और ये सुनने के बाद भापा जो विलेजर है सब लोग उसके लिए चीयर कर रहे हैं। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग लूफी एस और बाकी के लोगों को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सब लोग दौड़ते हुए युवा की तरफ जा रहे हैं और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।